बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के ग्रामर के रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, यस्टरडे हमने जो हैं वो वर्ब के डिस्कस किए थे, तो अब हम ग्रामर के फ्यू एमसीक्यूज, 40 to 50 एमसीक्यूज होंगे, जो फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और थर्ड लेक्चर में आपको जो हैं वो बता दिए जाएंगे। तो फर्स्ट जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो बॉडी इज़ अ डैश प्रोनाउन। नो बॉडी क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू ग्रामर? तो नो बॉडी जो होती है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। नो बॉडी इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। हु इज़ द मैन एट द डोर? हु इज़ द मैन एट द डोर? हु जो है वो अंडरलाइन वर्ड है, हु बताना है क्या चीज़ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। वो इंट्रोड्यूस करता है क्वेश्चन को भी, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। टाइम इट सेल्फ इज अ ग्रेट हीलर। इट सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। टाइम इट सेल्फ इज अ ग्रेट हीलर। तो जितने भी सेल्फ फॉर्म होती हैं जिनके साथ सेल्फ लगता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ही का हिम सेल्फ है, शी का हर सेल्फ है, वी का आवर सेल्फ है, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। हैंड मी डैट हैमर, नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज है, हैंड मी डैट हैमर। डैट जो है वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, चूँकि ये हैमर की तरफ इशारा करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो कि किसे नाउन की तरफ इशारा करते हैं, तो डैट हैमर की तरफ इशारा कर रहा है वो हथौड़ा। तो दिस डैट दिस डोज, ये चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। श्योरली यू रिकग्नाइज सम बॉडी। सम बॉडी इज कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, जिसमें हमें मालूम नहीं होता कि किस शख्स की बात की जा रही है, किसकी बात हो रही है। तो जब हम चीज़ों को इनडेफिनेटली बताते हैं तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन कहलाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो ऑडियंस चूँकि ज़्यादा लोगों, ज़्यादा चीज़ों को एक लफ्ज से बताया जाता है तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। रूथलेसनेस इज़ अ डैश नाउन। रूथलेसनेस जो है वो आया कि यहाँ पे क्या चीज़ है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट है, कॉमन। रूथलेसनेस का मतलब होता है बेरहमी से, ये हादसा उसकी बेरहमी के सबब पेश आया, तो बेरहमी का मतलब है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो कि मादी वजूद नहीं रखती चीज़ें, उनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी और जस्टिस जो है अकॉर्डिंग टू ग्रामर अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इक्विटी एंड जस्टिस अकॉर्डिंग टू ग्रामर अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ये भी अगेन वही वाला जो हमने पीछे पढ़ा था रूथलेसनेस, उसी को कन्वे कर रहा है। कीप द बॉल्स इन द बास्केट, अंडरलाइन वर्ड। बास्केट और बॉल्स क्या चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर? कंक्रीट हैं, रिफ्लेक्सिव हैं, अब्स्ट्रैक्ट हैं, प्रॉपर हैं। तो बॉल्स और बास्केट जो हैं वो कंक्रीट या मटीरियल नाउन भी कहलाते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो अगेंस्ट है वो कंक्रीट नाउन है, मीन्स के इसके उलट जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। ये मादी वजूद नहीं रखती चीज़ें, जिनका मादी वजूद होता है, जो मादी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बनती हैं, मटीरियल थिंग्स होती हैं, उनको हम कंक्रीट नाउन का नाम देते हैं। द गैंग ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड। गैंग यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। गैंग रॉबर्स और गैंग ऑफ रॉबर्स कुछ लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, तो जब ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा चीज़ों की एक लफ्ज से नुमाइंदगी की जाती है तो कलेक्टिव नाउन भी कहलाता है। नेगेटिव कॉनोटेशन भी है गैंग वर्ड। द क्लास जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन। क्लास क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू ग्रामर? अंडरलाइन वर्ड, हमने बताना है मटीरियल है, कंक्रीट है, नन ऑफ दीज, या कलेक्टिव नाउन है, तो क्लास भी कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके बोर्ड के पेपरों के लिहाज से जो आपको एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है वो आपको गो थ्रू करवाए जा रहे हैं, जो आपको बताए जा रहे हैं। तो क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स, एक नहीं होता, 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट्स जो कि बैठे होते हैं उनको हम एक नाम दे देते हैं क्लास का, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड बट ही वॉज सैड। बट आ जाएगा इसमें खाली जगह में, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनको अलग भी कर दिया जाए तो दोनों के मफहूम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि जब कंपैरिजन आता है तो फिर बट यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस में। इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट।
फर्स्ट कंडीशनल है, ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट कंडीशनल है, ओपन कंडीशन। पहला इफ वाली क्लास जो है जिसको हम कंडीशनल क्लास कहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी, इफ ही ऑफर्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, और दूसरे वाले हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट लगाएंगे जो कि रिजल्ट क्लास होगी, आई विल एक्सेप्ट इट, ये इसके साथ आ जाएगा, इसको पूरा करेगा, इसको फुलफिल करेगा इस कंडीशन को। पहली कंडीशन बता दी गई, दूसरी में आपने लगा के फुलफिल करना है, मुकम्मल करना है इसको। इफ ही ऑफर्स में जॉब, आई विल एक्सेप्ट इट, फर्स्ट कंडीशनल, प्रेजेंट डेफिनेट फॉलोज बाय फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट इज डैश फ्रेज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अंडरलाइन किए गए हैं, ये क्या चीज़ें हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के स्टार्ट पे ही आई एन जी फॉर्म है, जेरंड है, शुरू में जब होता है सब्जेक्ट का काम करता है तो जेरंड कहलाती है आई एन जी फॉर्म, और ये साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाते हैं। तो चूंकि जिस लफ्ज़ से शुरू होती है वो उसका फ्रेज का नाम बन जाती है, तो यहाँ पे ये आई एन जी फॉर्म से शुरू होती है और आई एन जी फॉर्म नाउन का काम करती है और जेरंड फ्रेज कहलाती है। नेक्स्ट पे आ जाएं, दे रेस्टेड एट सनसेट, उन्होंने रेस्ट किया एट सनसेट, उन्होंने सूरज गरूब हुआ तो आराम किया, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, नन ऑफ दीज है। तो वैन का आंसर है, वैन का मतलब है टाइम, कब, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम भी कहलाती है, और एडवर्ब फ्रेज तो डेफिनेटली कहेंगे कब उन्होंने रेस्टेड, वैन का आंसर है वर्ब से, तो वैन का आंसर अगर फ्रेज देती है तो एडवर्ब फ्रेज कहलाती है, अगर एक लफ्ज़ देता है वैन का आंसर तो एडवर्ब कहलाता है, अगर फ्रेज कहलाती है तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी ये कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज। द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि अंडरलाइन किए गए हैं, विद अ ब्रोकन हैंडल, ये इंडिकेट करते हैं नाउन की तरफ, अम्ब्रेला ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को बताते हैं, अगर एक लफ्ज़ बताता है तो वह एडजेक्टिव कहलाता है, अगर वही काम नाउन को बताने का, नाउन को मॉडिफाई करने का, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स करें तो फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी, और वही काम जो कि नाउन को मॉडिफाई करने का होता है। एडजेक्टिव का मतलब यही होता है कि ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के मुतल्लिक सेंटेंस में बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, जैसे कि ब्लैक अम्ब्रेला है, प्रीटी गर्ल है, गर्ल क्या है, प्रीटी है, खूबसूरत है, तो लाइक दिस ये एडजेक्टिव है, अगर यही काम फ्रेज करे तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती है। आई हैव सरप्राइजिंग न्यूज़, जेरंड है, सरप्राइजिंग इन्फिनिटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे आई एन जी फॉर्म, आई हैव सरप्राइजिंग न्यूज़, यहाँ पे आई एन जी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है। दोनों में डिफरेंस देख लेना है, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनता है, जेरंड का बता दिया है, जब आई एन जी फॉर्म खुद नाउन बनती है तो वो जेरंड कहलाती है, और वो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो यूज़ होती है। जब आई एन जी फॉर्म नाउन के मुतल्लिक बताती है, खुद नाउन नहीं बनती बल्कि नाउन के मुतल्लिक, न्यूज़ कैसी है, सरप्राइजिंग है, न्यूज़ नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। बिकॉज ही वॉज लेट, ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड, बिकॉज से शुरू होती है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्लॉज, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि बिकॉज से शुरू हो रही है, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाती है, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। We have to take the bus early tomorrow morning. यहाँ पे adjective की first positive degree use करेंगे, जब किसी चीज़ के साथ comparison नहीं होता, when there is no sense of comparison at all, we use positive degree of adjective. तो हम early first positive degree use करेंगे क्योंकि यहाँ पे comparison नहीं है, और superlative degree भी use नहीं करेंगे। We dash our bottle so we could use it again. तो यहाँ पे MCQs में देखें कि could दिया गया है, दूसरे हिस्से में, पहले हिस्से में भी हमने चार ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा वो पास्ट का ही यूज़ करना है, तो we cleaned our bottle, clean की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेन का could पास्ट दिया गया तो ये पहले वाला भी वह पास्ट में आएगा, we clean our bottle and so we could use it again, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा साथ। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, ये आपके फ्यू MCQs थे, इसके बाद और कुछ MCQs जो हैं वो हम ग्रामर के रिलेटेड जो हैं वो डिस्कस करेंगे फॉर 10th क्लास, जो एग्जैक्ट ऑप्शन होंगे जो कि आपने पेपरों में
बोर्ड में एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में जाके जो आपने टिक लगानी है वो आपको उसके मुताबिक यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।